Good afternoon. Myself Saraswati Kundi, Assistant Professor in Pehlwan Gurudi, College of Science and Technology. Today discuss about pharmacology, basic definition, yeah, basic term. Okay? Let's go start. First of all, pharmacology. Pharmacology hota kya? Hai kya pharmacology? It is the branch of science which deals with the study of uses, effect and mode of action of drug. इसमें जो drug है, medicine जो अपन लेते हैं, ठीक है, तो उसके अपन uses के बारे में study करते हैं, effect के बारे में study करते हैं, उसके mode of action, कि वो body में जाकर के क्या response देता है, ये सब study अपन किसमें करते हैं, pharmacology में, okay? Next है clinical pharmacology. Study of drug with their clinical uses. तो clinical pharmacology में क्या study करते हैं अपन कि जो drug है drug को कैसे clinically use करते हैं उसके बारे में अपन study करते हैं. Next है drug. Drug क्या है? What is drug? Drug एक फ्रांस वर्ड है जो कि ड्रेब्यू से बना है. ड्रेब्यू. ड्रेब्यू means होता है dry herb. Okay? तो आप मेडिसिन और अदर सब्सटेंस विच गिव थेरेप्यूटिक इफेक्ट व्हेन इंजेस्टेड इनटू बॉडी. जब कोई ड्रग अपन अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो उसके बाद भी वो थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो कर रही है. उसका मतलब क्या है? वो ड्रग है और वो अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर रही है. ठीक है. नेक्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक. फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि क्या होता है, एक बार फिर से बता देती हूँ. तो जो आपके फार्माकोलॉजी के लिए टू कॉन्सेप्ट होती है, टर्म होते हैं जो जिस पर आपका पूरा का पूरा फार्माकोलॉजी डिपेंड रहता है. ओके. तो ये फर्स्ट होता है फार्माकोकाइनेटिक और सेकेंड होता है फार्माकोडायनामिक. फार्माकोकाइनेटिक मीन्स क्या होता है? फार्मा मीन्स ड्रग एंड काइनेसिस मीन्स होता है मूवमेंट. तो अपन इसको बोल सकते हैं फार्माकोकाइनेटिक मीन्स क्या होता है? मूवमेंट ऑफ ड्रग. ओके. तो इसको अपन इसकी डेफिनेशन लिखते हैं. इट इज ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी कंसर्न विद द मूवमेंट ऑफ ड्रग इन बॉडी और स्टडी अबाउट एडीएमई. तो एडीएमई मैंने कल बताया था. एडीएमई क्या होता है? ए फॉर एब्जॉर्प्शन, बी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एम फॉर मेटाबॉलिज्म और ई फॉर एक्सक्रीशन. मतलब जो मेडिसिन में ड्रग है वो उसके साथ अपनी बॉडी जो है वो क्या करती है? सबसे पहले वो एब्जॉर्प्शन करवाती है, देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, देन उसके बाद मेटाबॉलिज्म, देन लास्ट में एक्सक्रीशन करवाती है, बॉडी से एक्सक्रीट कर देती है. ओके. नेक्स्ट है फार्माकोडायनामिक. तो फार्माकोडायनामिक मीन्स क्या होता है? फार्माकोनिस होता है आपका ड्रग एंड डायनामिक मीन्स होता है इफेक्ट या पावर. ओके. तो अपन बोल सकते हैं फार्माकोडायनामिक मीन्स पावर ऑफ ड्रग. इट इज ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी कंसर्न विद स्टडी ऑफ पावर ऑफ ड्रग और इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी. जो ड्रग है वो बॉडी पर क्या इफेक्ट देती है, अपना कैसे इफेक्ट शो करती है, जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन या थेरेप्यूटिक एक्शन है वो कैसे बॉडी पर शो करती है, ये उसमें अपन किसमें स्टडी करते हैं? फार्माकोडायनामिक्स में. नेक्स्ट है एडवर्स रिएक्शन. तो एडवर्स रिएक्शन क्या होती है? एनी अनएक्सपेक्टेड और डेंजरस इफेक्ट शो करना या कॉज होना. जैसे अपन ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, लेते हैं, उसके बाद यदि कोई डेंजरस इफेक्ट शो होते हैं तो फिर उसको बोलते हैं एडवर्स रिएक्शन. जैसे किसी को किसी चीज से एलर्जी होती है या फिर चक्कर आना लगना या सिर दर्द होने लगना या हेडेक वगैरह, ये सब कॉज होते हैं आपके एडवर्स इफेक्ट. जैसे आपने ड्रग ली, ड्रग लेने के बाद एडवर्स इफेक्ट कॉज होने लगते हैं. ओके. नेक्स्ट अपन देखेंगे टॉक्सिकोलॉजी. टॉक्सिकोलॉजी क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ पॉइजन, टॉक्सिक सब्सटेंस एंड देयर एंटीडोट और ट्रीटमेंट. तो जितने ये क्या है, ये भी साइंस की ब्रांच होती है और अपन इसमें किसकी स्टडी करते हैं?
ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे मोस्टली आपने देखा होगा हॉस्पिटल में, जब जैसे किसी ने कोई टॉक्सिक सब्सटेंस खा लिया होता है या गलती से जैसे भी, तो डॉक्टर पूछते हैं किसने लिया क्या है। यदि आप वो बता दोगे कि ये टॉक्सिक सब्सटेंस ये लिया था, तो उसका तुरंत ही वो क्या करते हैं, उसका एंटीडॉट दे देते हैं, है ना। तो इन सब के बारे में अपन किसमें स्टडी करते हैं, टॉक्सिकोलॉजी में। नेक्स्ट है बायोअवेलेबिलिटी। तो बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ एंड एक्सटेंट या अमाउंट टू विच द एक्टिव सब्सटेंस इज एब्जॉर्ब फ्रॉम साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है कि जो ड्रग अपन ने ली है, मतलब चाहे ओरल ली हो या मतलब किसी भी रूट से ली हो, सिर्फ और इसको छोड़ के इंट्रावेनस को छोड़ के, ठीक है, सिर्फ इंट्रावेनस में जो रहता है उसमें एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी 100% होती है, ठीक है। यदि आपने ओरल ली है तो वो आपका एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड स्ट्रीम तक कितना पहुंचा, ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशन तक कितना अमाउंट आपका पहुंचा है, उसी को बोलते हैं अपन बायोअवेलेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी का क्या स्कोप है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी ऑफ डिजीज और डिसऑर्डर विच इज कम अंडर पैथोफिजियोलॉजी। सबसे पहले अपन स्टडी करते हैं डिजीज के बारे में, डिसऑर्डर के बारे में, कि कोई डिजीज कैसे होती है, क्या रीजन रहता है डिजीज कॉज होने का, ठीक है। तो उसकी सबसे पहले अपन पैथोफिजियोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है स्टडी अबाउट ड्रग एंड देयर एक्शन। इसके बाद अपन स्टडी करते हैं कि जो जो भी मतलब डिजीज है उसके लिए अपन कैसे ड्रग देते हैं, कौन सी ड्रग देते हैं, कब उसको यूज करना है, ठीक है, और उसका क्या एक्शन होता है, क्या उसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन होते हैं, थेरेप्टिक यूज होते हैं, ये सब अपन किसमें स्टडी करते हैं, फार्माकोलॉजी में। नेक्स्ट है स्टडी अबाउट फार्माकोकाइनेटिक्स, व्हाट डज बॉडी टू द ड्रग। ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, ADME, ठीक है, कि जो आपका बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या क्या करता है। नेक्स्ट है स्टडी अबाउट फार्माकोडायनेमिक, व्हाट डज ड्रग टू द बॉडी। तो फार्माकोडायनेमिक भी मैं आपको बता चुकी हूँ पहले कि क्या होता है, इसमें जो आपका ड्रग है वो बॉडी के साथ क्या करता है, कैसे वो अपना इफेक्ट शो करता है, इसके बारे में स्टडी करते हैं फार्माकोडायनेमिक में। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि किसी भी पॉइजन के बारे में आपको स्टडी करना है, टॉक्सिक सब्सटेंस के बारे में स्टडी करना है, तो आपको फार्माकोलॉजी की में स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट